गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन लेट्स रिवाइज आर लेसन नंबर नाइन गीगल्स हैज़ अ टूथ एक ओके गीगल्स को दांत में दर्द होता है ना उसी पे बेस्ड है आपकी ये आ, स्टोरी नाउ लेट्स रिवाइज Uh, our activities that means exercise okay of lesson number 9. Okay, now in pay open your page number 91, and in page number 91, you have given some, uh, some fill ups. Okay, now in first number, you firstly you have given clue box, clue box means what you have given your options now. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू फिल हियर योर आंसर ओके इन ऑप्शन के आधार पर आपको यहाँ पे आंसर्स को फिल करने हैं नाउ इन फर्स्ट नंबर यू हैव हैवन गीगल्स लव टू ईट गीगल्स को क्या चीज़ पसंद था किस चीज़ से प्यार था खाने में स्वीट से है ना मिठाइयों से उसको मीठा बहुत पसंद था सो राइट हियर स्वीट्स ओके मम्मी हैज टू डैश द जार मम्मी ने जार को क्या कर दिया था हाइड कर दिया था है ना यानी कि छुपा दिया था सो राइट हियर मम्मी हैज़ टू हाइड द जार मम्मी ने जार को क्या किया था छुपा दिया था सो फिल हियर हाइड ओके इन थर्ड नंबर यू हैव गिवन गीगल्स क्राइस बिकॉज ही हैज़ अ डैस गीगल्स रो रहा था क्योंकि उसके दांत में उसे क्या हो रहा था दर्द हो रहा था ना सो राइट हीयर टूथ एक यानी कि गीगल्स के दांतों में दर्द हो रहा था इसलिए वो रो रहा था ओके सो राइट हीयर टूथ एक इन फोर्थ नंबर यू हैव गिवेन मम्मी टेक्स गीगल्स टू द डैश मम्मी गीगल्स को पास किस गीगल्स को किसके पास ले गई थी मम्मी गीगल्स को डॉक्टर के पास ले गई थी है ना टीथ वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं डेंटिस्ट है ना सो राइट हियर डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट तो मम्मी गीगल्स को किसके पास ले गई थी डेंटिस्ट के पास ओके नाउ इन फिफ्थ नंबर यू हैव गिवन डेंटिस्ट टेल्स गीगल्स टू डैश हिज माउथ आफ्टर एवरी मील डेंटिस्ट ने गीगल को क्या करने के लिए कहा था उसके माउथ को उसके मुँह को आफ्टर एवरी मील हर भोजन करने के बाद में गीगल्स को डॉक्टर ने क्या कहा था कि भोजन करने के तुरंत बाद अपने मुँह को क्या करना चाहिए कुल्ला करना चाहिए है ना सो राइट हियर रिंस रिंस मीन्स कुल्ला करना दैट मीन्स डॉक्टर ने गीगल्स को कहा कि हर भोजन के बाद अपने मुंह को कुल्ला किया करें ओके सो राइट हियर रिंस नाउ इन फर्स्ट फिलअप्स यू राइट स्वीट्स एस डब्ल्यू डबल ई टी एस स्वीट्स सेकेंड नंबर यू राइट हाइट एच आई डी ई हाइट थर्ड नंबर यू राइट टूथ एक्ट T -double o t h tooth a c h e tooth egg, okay now in fourth number you write dentist d e n t i s t dentist and fifth number you write rinse r i n s e rinse okay now open your next page page number 92 and in page number 92 you have given योर क्वेश्चन नंबर बी हु सेज वॉट किसने क्या कहा ये बताना है कॉपी इन टू ईच बबल आपको बबल्स ऐसे दिए गए इन बबल्स में राइट करना है ओके नाउ यू हैव ऑल्सो गिवन हीयर क्लूज प्लीज़ हेल्प गीगल्स गीगल्स की मदद करो थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर को थैंक यू किसने कहा था वो उस जगह फिल करना है आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने नहीं सुना ठीक है ये चीज़ फिल करना है तो फर्स्ट नंबर पे है ये कौन है प्लीज़ हेल्प गीगल्स गीगल्स की मदद करिए किसने कहा था गीगल्स की मॉम ने कहा ना डॉक्टर से सो राइट हियर प्लीज हेल्प गीगल्स ओके नॉ इन सेकेंड नंबर आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन किसने सॉरी बोला था गीगल ने बोला था अपनी मोम से ना कि मैंने आपकी बातों को नहीं सुना इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ यानी कि माफी चाहता हूँ सो राइट हियर आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन ओके नॉ इन थर्ड नंबर यू हैव गिवेन यहाँ पे कौन है गीगल है और डॉक्टर है तो गीगल ने डॉक्टर से क्या कहा था थैंक यू डॉक्टर जब डॉक्टर ने गीगल के दांतों को ठीक कर दिया उसके टूथहैक को सही कर दिया तो गीगल ने डॉक्टर को क्या बोला थैंक यू डॉक्टर ओके सो फिल ही थैंक यू डॉक्टर नाउ ओपन योर पेज नंबर नाइनटी थ्री एंड इन पेज नंबर नाइनटी थ्री यू हैव गिवेन योर क्वेश्चन नंबर वन पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच इज़ क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग दैट मीन्स आपको ऐसे वर्ड्स स्टोरी में से राइट करने हैं यहाँ पे जो कि इनकी मीनिंग से मिलते हुए हों देट मीन्स जो इस स्टोरी में वर्ड्स आए हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को ही यहाँ राइट करना है बस इसका दूसरा मीनिंग होना चाहिए ठीक है दैट मीन्स सेम मीनिंग के वर्ड को फिल करना है यहाँ नॉ इन ए ऑप्शन यू हैव गिवेन वन मोर टाइम एक बार ज्यादा को और क्या बोलते हैं एक बार और कोई चीज अगर आपको मांगना होता है तो क्या बोलते हैं अगेन ए जी ए आई एन अगेन ओके इन बी नंबर यू वॉश किसी चीज को धुलने को क्या बोलते हैं साफ करने के लिए रिंस आपके चैप्टर में दिया गया है रिंस आर आई एन एस ई रिंस मीन्स करना है यहाँ माउथ को वॉश करने की बात हो रही है ना तो रिंस रिंस करने के रिंस फिल करते हैं क्योंकि माउथ रिंस किया जाता है ओके नाउ इन सी पार्ट यू हैव गिवन अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ जो डॉक्टर एक डॉक्टर जो दांतों की दांतों को ठीक करता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं डेंटिस्ट बोलते हैं ना कि दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग डेंटिस्ट डी ई एन T I S T dentist now in D option you have given strong liking यानी कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत uh, strongly किसी को बहुत tightly अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं love बोलते हैं L O V E love यानी कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो love हुआ ठीक है now in E part you have given pain in tooth दांत में दर्द को क्या बोलते हैं टूथ एक्

एप्पल एंड टेबल ओके नाव इन वर्ड्स में आपको क्या लगाना है एस लगाना है एस को एड करना है दैट मीन्स व्हील्स डब्ल्यू एच डबल ई एल एस व्हील्स जे ए आर एस जार्स गर्ल्स एप्पल्स एंड टेबल्स इन सारे वर्ड्स से मिला के आपको क्या बनाना है मेक सेंटेंसेस सेंटेंस बनाना है ठीक है नाव इन ए पार्ट यू हैव गिवेन अ बाइसिकल हैज टू व्हील्स बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं दो पहिए होते हैं तो व्हील्स भी हो गया और उससे आपका सेंटेंस भी बन गया ओके सेम एज यू मेक सेंटेंस बाय वर्ड्स इन सारे words से आपको सेंटेंस बनाना है नाउ बी पार्ट यू हैव गिवन जार जार दिया है ना तो जार से सेंटेंस क्या बनेगा स्वीट्स आर केप्ट इन जार्स मिठाइयों को कहाँ रखा गया है जारों में रखा गया है सो स्वीट्स आर केप्ट इन जार्स ओके थर्ड नंबर यू हैव गिवन गर्ल नाउ द गर्ल्स आर प्लेइंग यानी कि लड़कियां खेल रही हैं तो क्या होगा द गर्ल्स आर प्लेइंग गर्ल का यहां क्या हो गया गर्ल्स भी हो गया और सेंटेंस भी बन गया नाउ इन डी ऑप्शन यू हैव गिवन ब्रिंग एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट दैट मींस बाजार से फलों को लाओ है ना तो क्या होगा यहाँ पे एप्पल का क्या बन गया एप्पल्स और इससे सेंटेंस भी बन गया एप्पल फ्रॉम दाउ इन ई पार्टिव टेबल दिया है ना टेबल से सेंटेंस बनाना है टेबल्स आर इन द रूम दैट मीन्स मेजे कहाँ पे है मेजे रूम में है तो टेबल्स आर इन द रूम ओके नाउ children prepare your page number 91 that means fill in the blanks with clues okay and with spelling page number 92 who says what who says what and page number 93 question number 1 pick a word from the story which is closest in meaning एंड क्वेश्चन नंबर टू मेक सन्टेंसेज आफ्टर एडिंग एस ये सारे जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको फ्रॉम पेज नंबर नाइन्टी वन टू नाइन्टी थ्री आपको प्रिपेयर करना है विद स्पेलिंग ओके आपको सारी स्पेलिंग्स के साथ में ये सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस फिलअप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड योर टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट डे आपका टेस्ट नेक्स्ट डे होगा दूसरे दिन होगा सो प्रिपेयर योर ऑल एक्सरसाइज फ्रॉम बुक विथ स्पेलिंग ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय